हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज एक इम्पॉर्टेंट डीआई देखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड केसलेट डीआई। ठीक है, केसलेट देखेंगे, मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस तरीके का डीआई कई बार पूछा जा चुका है, चाहे मैं बात करूँ आईबीपीएस पीओ मेंस में, चाहे बात करूँ एसबीआई पीओ मेंस में। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है। अगर आप पीओ मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसे जरूर ट्राई करना। ठीक है, रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, और क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई जरूर करेंगे सब लोग। ठीक है, अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि विद इन हाउ मेनी मिनट्स आपने इसे डिकोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद मेरी अप्रोच देखिएगा, इसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, प्रोबेबिलिटी सीख जाओगे इसमें। ठीक है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे केसलेट हो, चाहे मिसिंग डीआई हो, डेफिनेटली आप इसे कर लोगे। मैंने सबसे टफ क्वेश्चन इसलिए लिया है केसलेट में, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, अगर आप और इस तरीके की वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपने बना लिया होगा। ए बी सी एंड डी आर फोर बैग्स विद अ सर्टेन नंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एंड रेड बॉल्स इन ईच ऑफ देम। तो भाई चार बैग्स हैं, ए बी सी एंड डी, क्लियर। और तीन तरीके की बॉल्स हैं उसमें, ब्लू ग्रीन एंड रेड, क्लियर है। इस तरीके से आपको सबसे पहले टेबल बना लेनी है, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक क्लियर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बी एंड सी इज 36, 64 एंड 84 रिस्पेक्टिवली। यानी ए में, बैग ए में टोटल कितनी बॉल्स है? 36। मैं इधर लिख देता हूँ भाई, बी में कितनी है? 64 इधर लिख दिए, और डी सी में कितनी है भाई? बी में 64, ओके, सी में 84, क्लियर। चलिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फॉलोड बाय रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम बैग ए इज दिस। बैग ए से ये बोल रहा है, पहले हम ब्लू बॉल को ड्रॉ करते हैं, देन रेड बॉल को। तो आपको ऐसे लिख देना है, ब्लू इंटू रेड, कोई रिप्लेस विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, यानी हमें नॉर्मल तरीके से फॉलो करना है। मतलब पहले आपने रेड बॉल पिक करी, सॉरी, पहले आपने ब्लू बॉल पिक करी, देन उसके बाद आपने रेड बॉल पिक करी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग ए कितनी दी हुई है भाई? 26/315, 26/315, क्लियर है, ओके। इसके बाद बी में दी हुई है, तो इधर ही लिख देता हूँ मैं ना, बी ए की कितनी है भाई? 26/315, समझ लेना प्रोबेबिलिटी है, ब्लू फॉलोड बाय रेड। ए की है भाई 26/315, बी की कितनी है? 2/21, ओके। सी की कितनी है? 6/83, ऑल गुड। यहां तक हमें समझ में आ गया क्वेश्चन, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम बी इज 0.5। अब 0.5 मतलब 1/2, ये बहुत बड़ा हिंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल फ्रॉम बी कितनी गिवन है? 1/2। आपको पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी ये आपकी टोटल बॉल्स होंगी भाई। टोटल बॉल्स में क्या मान सकता हूँ? 2 यूनिट्स, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 64। टोटल बॉल्स बैग बी में कितनी है? 64, और ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? रेड बॉल्स की, यानी रेड बॉल्स कितनी होगी भाई? 1 यूनिट, विच इज 32। समझ गए, रेड बॉल्स कितनी हो गई? 32। इसी तरीके से सी में दी हुई है उसने, ओके, एंड दैट फ्रॉम सी इज 2/7। रेड बॉल की बात कर रहे हैं, यानी 2/7, समझ गए, ये टोटल है। देन वी कैन से 7 यूनिट्स इक्वल्स टू 84। 1 यूनिट की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी? 12। तो रेड बॉल्स कितनी है? 2 यूनिट्स, तो 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24। बैग सी में रेड बॉल्स कितनी आ गई आपकी? 24। टोटल रेड बॉल्स इन ऑल द बैग्स आर 84। टोटल यानी नीचे लिखोगे इधर, सबसे नीचे 84 इधर, ठीक है ना? इधर आप लिख सकते हो नीचे टोटल। और क्या गिवन है जी हमें? रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स इन ए एंड डी इज 5:7। तो इसे मैं 5x मान लेता हूँ, इसे 7x मान लेता हूँ, डी है ना, क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम डी, अब देखो डेली यानी बैग डी में से दी हुई है, इज 5/14। ये दी हुई है आपको 5/14, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन डी इज हाफ डेट ऑफ सी। ठीक है, डेट ऑफ सी नीचे दिया हुआ है इधर, आप देख सकते हैं, यानी टोटल बॉल्स बैग डी में कितनी है? 42, जितनी सी में उसकी आधी।
अब रेड बॉल्स आप निकाल सकते हो डी में कैसे भाई, 5/14 है। अभी मैंने बताया ये टोटल है और टोटल और ये आपकी रेड बॉल्स, 14 यूनिट्स बराबर किसके कर दोगे, 42 यानी टोटल बॉल्स के। देन 1 यूनिट की वैल्यू इधर समझ लो, इधर लिख देता हूँ मैं, इधर ही लिख देते हैं, 14 यूनिट्स इक्वल्स टू 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 बॉल्स, और रेड बॉल्स कितनी है, 5 यूनिट्स। देन 5 × 3 15 बॉल्स, समझ गए आप। अब रेड बॉल्स इन ए आप फाइंड कर सकते हैं, टोटल आपको गिवन है भाई 84, कितना हो जाएगा 56, 32 n 24 is 56 एंड 15 विल गिव यू 71। 71 माइनस करोगे 84 में से यानी 13 मिल गया। यहां तक क्लियर है? अब इतना आपने देख लिया, इतना मैं इरेज कर देता हूँ, ये जितना भी हमने रेड बॉल्स के बारे में डिस्कस करा है, इसके बाद हमें आगे डिस्कस करना, ठीक है जी। अब देखिए आगे, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ब्लू बॉल फॉलोड बाय रेड बॉल इज दिस। ब्लू बॉल्स कितनी है, इसमें पी मान लेते हैं, पी इंटू रेड बॉल्स कितनी है 13 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 36 × 35। ये समझ गया मैंने क्या करा, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैंने कैसे पिक करा समझना, PC1 × 13C1, समझ गए। अपॉन में क्या करा मैंने, 36C1 × 35C1, क्लियर है, ये करा हमने जी, आई होप आपको क्लियर है। उसके बाद ये हो गया फॉर्मूला, हम जब भी पिक करते हैं यानी वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन, जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं चीजों को तो आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना होता है, ठीक है। और ये अपना मैनुअल मेथड, भाई पी में से एक पिक करा, PC1 × 13C1 / 36C1 × 35C1, सिंपल है, 13 से कैंसिल 2 टाइम्स, 35 मुझे पता है भाई 10 टाइम्स कितना होता है 350, लगभग लगभग 9 टाइम्स, 9 से गया 4 टाइम्स, तो पी की वैल्यू आ गई 4 × 2 8। ब्लू बॉल्स कितनी आ गई है, तो आप ग्रीन बॉल्स निकाल सकते हो, टोटल कितनी है 36, इसे प्लस करोगे कितना आएगा 21, 36 में से माइनस करोगे 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई 3, समझ गए। जब एक्स की वैल्यू 3 आई तो ग्रीन बॉल्स आप इधर निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी 7 × 3 21 बॉल्स, 21 इधर आ गई, 15 इधर आ गई, तो बची हुई बॉल्स इधर आप लिख सकते हैं कितनी आएगी 6 बॉल्स आएगी। मैंने कैसे करा, देखो 21 इधर हो गई तो बची 21, 21 में से 15 इधर लिखी है तो बच गई 6, ठीक। मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फास्ट कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करनी है, और अगर आपकी कैलकुलेशन पे डिमांड कमांड नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा आपको। अगर आप टाइम कम से कम टाइम में करना चाहते हो, बस एक कैलकुलेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको ब्लू बॉल्स निकाल लेनी है बी में और ब्लू बॉल्स निकाल लेनी है सी में, ठीक है। चलिए निकालते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 2/21। अब आप लोग समझ गए, अब मैं इसे जल्दी जल्दी करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ पहले। देखना भाई, क्यू इंटू रेड बॉल्स कितनी है भाई 32 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 64 × 63, समझ गए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/21। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, समझिए 2 टाइम्स गया, ये गया हमारा 3 टाइम्स, कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 × 2 6 × 2 12 हो गया सीधा सीधा। अब माइनस कर दो कितना हो गया भाई 44 माइनस करोगे इसमें से, ग्रीन बॉल्स आ गई आपकी 20। इसी तरीके से आप सी में ब्लू बॉल्स निकाल सकते हो, इसमें आपको दी हुई 6/83, तो इधर ही देख लेते हैं कितना हो जाएगा। अच्छा इसे इरेज कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलो देखो, आर इंटू रेड बॉल्स कितनी है 24 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 84 × 83 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 6/83 दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखो 6/83 कहाँ गिवन है, ये गिवन है, क्लियर। तो 83 से 83 कैंसिल, क्लियर, और 6 से हम कैंसिल कर सकते हैं 4 टाइम्स, और 4 से इसे कैंसिल कर दो कितना टाइम जाएगा 4 × 2 = 8 4 × 1 = 4, आर की वैल्यू आ गई सर 21, ये 21 है ये 24 यानी 45, 45 माइनस करोगे 84 में से कितना बचेगा 34 और 5 39, मतलब मैंने 50 में से कंपेयर करा, 50 से 84 कितना है 34 और बचा हुआ हमारा 5 39, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब आप टोटल और देख लीजिए, टोटल देख लो जरा जिससे हमें क्वेश्चन बाद में करने में आसानी रहे। देखो 36 और 64 मुझे दिखता है 100 और 80 180 और 40 220, और यानी ये हो गया 226। इस तरीके से करनी है कैलकुलेशन,
इन तीनों को, इन चारों को और प्लस करो, ये कितना हुआ 39 और 21, 60 और 20, 80 एंड 15, दिख गया बताइए, 95, क्लियर। ये कितना हुआ 21 एंड 8, 29 एंड 6, 35 एंड 12, 47। आई होप आपको क्लियर है सब चीजें, समझ गए केस लेटर आपने कैसे बिल्ड करा। इधर है हमारी टोटल बॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे पॉज करके जरूर ट्राई करना। जो मैंने एक्सप्लेनेशन समझाया बिल्कुल शॉर्ट में समझाया है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो गए होंगे, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व नहीं करा, सब कैंसिल आउट हो गया, देख रहे हो, इस तरीके का क्वेश्चन आता है मेंस में। और देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे, समझ, और देख लो तीन क्वेश्चन ही पूछे हैं उसने, ऐसा नहीं है पांच क्वेश्चन पूछे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए बी और सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नीदर रेड नॉर इज फ्रॉम बैग ए। पहली बात तो सैंपल स्पेस आपको पता होना चाहिए, सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स आपको समझ में आ गया क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी और फॉर्मूला क्या होता है, मैं अभी स्टार्टिंग में भी बताया था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स को ही हमारा हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। सो टोटल बॉल्स कितनी है ए बी और सी में, इन्हें प्लस करोगे कितना आएगा 36 एंड 64, 184 हो गई, क्लियर है। और आपसे क्या बोल रहा है, फेवरेबल आउटकम्स क्या होना चाहिए, बॉल इज नीदर रेड नॉर फ्रॉम बैग ए। देखो रेड बॉल आपको काउंट नहीं करनी है और ए ए से भी आपको पिक नहीं करनी है, यानी ये चार बच्चे फेवरेबल में, ये बात समझ रहे हो, ये वाले चार, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाले चार, ये रेड नहीं होनी चाहिए ना ही ए से होनी चाहिए, हम डी के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आई होप क्लियर है। तो इनको प्लस करो आप, वो 20 एंड 40, 60 एंड 20, 80 एंड 12, 92 हो गया कि नहीं हो गया, और टोटल था 184, यानी फेवरेबल आउटकम हो गए आपके 92 अपॉन टोटल आउटकम से आपके 184, मुझे लग रहा है, लग रहा है इसका ये डबल है, यानी 1/2 हो गया कि नहीं आंसर, विच इज 0.5, यानी ये ऑप्शन हो गया आपका, आई होप आपको क्लियर है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, ये क्वेश्चन नंबर वन बेसिक था जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्वेश्चन नंबर टू इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम वन बैग, वन ऑफ द बैग्स, ठीक है, एंड इट इज नोन दैट इट इज नीदर अ ब्लू बॉल फ्रॉम डी नॉर अ रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज फ्रॉम बैग बी। देखिए सबसे पहले मैं बात करते हैं इधर फेवरेबल आउटकम्स की, नीदर अ ब्लू बॉल फ्रॉम डी नॉर अ रेड बॉल, आप देखो नीदर अ ब्लू बॉल फ्रॉम डी, यानी ये आपको काउंट नहीं करना, नॉर अ रेड बॉल, ठीक है, और क्या नहीं होना चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग बी। ओके देखो जी इसमें फेवरेबल आउटकम्स आपके कौन कौन से होंगे, मैं लाइन कर देता हूँ, समझिएगा, देखो रेड बॉल्स तो है ही नहीं, ग्रीन्स बॉल आपको सब कंसिडर करनी है, ब्लू बॉल्स इससे नहीं होनी चाहिए, समझ गए, फेवरेबल आउटकम्स जो मैंने डार्क लाइन करी हुई है द ब्लू लाइन, ये हो गया आपके फेवरेबल आउटकम्स की नहीं। टोटल कितना हो गया जी, इन सबको प्लस करते हैं पहले, तो ये तो मुझे पता है 95 है और मुझे पता है ये 47 है, 47 में से 6 ही तो माइनस करना है, बताओ, समझे नहीं समझे। और उसके बाद पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम बी, और बी बी में टोटल बॉल्स कितनी है हमारे सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग, 20 प्लस 12 विच इज 32, तो यानी देखिए फेवरेबल आउटकम्स इधर आपके कितने हैं सर, 95 प्लस 47 माइनस 6 करना है, ये हमारे टोटल आउटकम्स है ना, ये टोटल आउटकम्स है, और फेवरेबल आउटकम्स है यू हैव टू पिक बॉल फ्रॉम बी विच इज 32, दैट मीन्स 32 बाय, इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा 95 प्लस 41, यानी हो गया आपका 136, इसे सॉल्व कर लो, 8 से दिख रहा है, चलो 4 से ही कैंसिल कर लेते हैं, 4 8 टाइम्स 34 टाइम्स 2 से कैंसिल करो, 2 4 8
4/17 विच इज ऑप्शन है, बताओ। ट्रिकी क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने देखो भाई, सैंपल स्पेस को आपको कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, डिटेक्ट करना है या ऑब्जर्व करना है भाई? सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स आपने ऑब्जर्व कर लिए कि भाई ये हमारी टोटल आउटकम्स है, उसके बाद उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, वो होते हैं हमारे फेवरेबल आउटकम्स। समझ गए? ये होती है बात, ये होता है बेसिक। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं भाई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल फ्रॉम सी फॉलोड बाय ग्रीन बॉल फ्रॉम डी? ये इजी क्वेश्चन है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ब्लू बॉल फ्रॉम सी फॉलोड बाय ग्रीन बॉल फ्रॉम डी, ये तो बहुत सिंपल है। सी में से आपको ब्लू बॉल पिक करनी है, दैट मीन्स 21 बॉल है और टोटल कितनी है 84। सी में से ब्लू बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 21/84। फॉलोड का मतलब क्या होता है सर? एंड। एंड के लिए क्या आता है? इन टू। ग्रीन बॉल फ्रॉम डी, ग्रीन बॉल कितनी है भाई डी में? 21/42। समझ गए? इन टू क्या हो जाएगा? 21/42। हमने क्या करा? अगेन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये गया आपका इससे 2 टाइम्स, ये गया 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताए? जिस ऑप्शन, तीनों क्वेश्चन क्लियर है। फॉलोड वाला ये जो होता है ना, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, इसे अच्छे से सीख लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, इस तरीके के आप और वीडियो चाहते हैं तो। ठीक है, जिससे वो टू वे कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसमें बेनिफिट आपका है। टू वे कम्युनिकेशन रखोगे है ना, तो हमें भी जो वीडियोस लाएंगे हम आपकी नीड के अकॉर्डिंग लाएंगे। प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम डिमांड आई थी, और स्पीड मैथ्स का आप फीडबैक शेयर करिएगा। देखो स्पीड मैथ्स जो मैंने आपको बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है, उसमें इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट है एंड वेरियस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसके बाद आप ये बताइए, स्पीड मैथ्स में किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो हम उसे पिक कर लेंगे ना। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपना टॉपिक जरूर कमेंट करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।